कि अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मैं इतना काबिल बन सकूं कि तुम्हारे हर सपने को पूरा कर पाऊं। खाने की चाय है, पीने की आदत डाल दे। अरे खोलो भाई, अरे खोलो। हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में। ए, इसको खोल। जिंदा करने तो आना पड़ेगा सारे। रईस है बादशाह। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। सबूत ले आइए, ले जाइए। रईस हाजिर। या ज्यादा काबिल है ऋतिक? तुम और मैं, हम कमजोर नहीं। साल का पहला सबसे बड़ा घमासान। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा। खत्म नहीं करूंगा। कौन होगा बॉक्स ऑफिस का बॉस? काबिल वर्सेस रईस। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी। शाहरुख खान की फिल्म रईस और ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल आज रिलीज हो गई है। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी दस्तक दे दी है। शाहरुख खान की फिल्म रईस और ऋतिक रोशन की काबिल के टिकट्स की पहले से ही एडवांस बुकिंग चल रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ही फिल्में एडवांस बुकिंग के मामले में टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। अब इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिल्म रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टर जयदीप मजुमदार की भूमिका निभा रहे हैं, जो फिल्म में शाहरुख खान के किरदार रईस को गिरफ्तार करना चाहता है। फिल्म में माहिरा खान शाहरुख की गर्लफ्रेंड बनी है। बहुत अच्छी लगी मूवी। क्या क्या देखा इसकी? उसमें शाहरुख खान का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा ओवरऑल, बट ये चीज था कि अगर कोई क्राइम करता है तो एंडली कभी उसके साथ अच्छा नहीं। बहुत औसम थी मूवी, और जो उसमें शाहरुख खान का लुक था वो बहुत औसम था। आईज उनकी बहुत इंटेंस थी। हिंदू कहता है मुसलमान को और मुसलमान कहता है हिंदू बुरा है, ये चीज काफी अच्छे से दिखाई है, काफी अच्छा लगा देख के। मूवी में सब कुछ अच्छा था, बस एंड में वो शाहरुख खान को मार देता, वही थोड़ा बेकार। काबिल को देख करके अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग निकले हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ कि मूवी कैसी लगी। कैसी लगी काबिल? ऋतिका काम कैसा लगा? ऋतिका मतलब 10 में से 10। 10 में से 10 मतलब क्या अच्छा लगा ऋतिका? वो तो मैं तो उनका फैन हूँ, मेरे लिए दुनिया है। हाँ। ये परफॉर्मेंस जो है हार्ट टचिंग, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या लगा ऋतिका? अच्छा ऋतिका मुझे एक्टिंग साथ बहुत मस्त लगी, और अंधे कप्पन का तो बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छा काम किया। गौतम उनका भी बहुत अच्छा रोल है दोनों का, और ब्लाइंड का तो बहुत अच्छा रोल है दोनों का। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। आप लोग अभी भी देख के आए हैं, ऋतिक के मतलब फैन है या मूवी उनकी अच्छी लगती है? बहुत दिन बाद आती है। हाँ, मूवी उनकी अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगा आपको इसमें? ट्रेडिशन से हटके थी, और ऋतिक की एक्टिंग इज ऑलवेज गुड। यामिनी गौतम कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है। रईस सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, और मेरे साथ कुछ दर्शक है जो फिल्म देख करके आ रहे हैं। ये बताइए कि कैसे लगी फिल्म आपको? शाहरुख खान वाज रियली ब्रिलियंट। अच्छा, तो आप बताएंगे कि आपको फिल्म कैसी लगी? हिज एक्टिंग वाज रियली अमेजिंग, इट्स ऑलवेज बीन अमेजिंग। तो इन दोनों ही मूवीज पे काफी नजरें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों में मुकाबला है। क्या ऋतिक रोशन की फिल्म ज्यादा पसंद की जाएगी, या शाहरुख खान ज्यादा दमदार दस्तक देने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर?
तमाम रिएक्शंस लेंगे। हमारे चार रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई से हमारे साथ वसीम बने हुए हैं, लखनऊ से विजय मिश्रा बने हुए हैं, साथ ही इंदौर से एहतियाब शेख हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं अमित भारद्वाज। सबसे पहले चलते हैं लखनऊ का रुख करते हैं। विजय, आपके पीछे काफी भीड़ भी नजर आ रही है, जाहिर तौर पर इन लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो पहला शो देख के बाहर निकल रहे हैं, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, इनसे क्या बात की आपने? बिल्कुल मैत्री, मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों ही पिक्चर्स के जो बाहर निकले हुए लोगों से उनसे बात की है और दोनों ही पिक्चर बहुत जबरदस्त इस समय टक्कर दे रही है एक दूसरे को। ऋतिक और शाहरुख एक दूसरे को इस आज के दिन टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। किसको कौन सी मूवी देखी, काबिल या रईस? रईस मैंने देखी क्योंकि मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छी लगी मुझे फिल्म। कारीगर के बाद पहली बार नेगेटिव रोल में है, मतलब इस वजह से देखी या फिर शाहरुख पसंद ही है? शाहरुख बहुत पसंद है मुझे, इसलिए मैंने। शाहरुख के फैन है और शाहरुख का फैन की वजह से कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये चीजें शाहरुख के बहुत ही पक्ष में जा रही हैं। काबिल या फिर रईस? रईस देखी हमने। रईस देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छी, शाहरुख खान की जो एक्टिंग, तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे व्यूअर्स जो हैं, ये सारे लोग जो हैं वो रईस देख के बाहर निकले हैं, तो एक का मिला जुला रिएक्शन तो मिल ही रहा है, लेकिन एक तरह से लोगों को रईस काफी अच्छी लगी। अब सीधे फिल्मी नगर ही चलते हैं, मुंबई का रुख करते हैं, वसीम वहां से जुड़े हुए हैं। वसीम, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, क्या लग रहा है, कौन भारी पड़ रहा है? जी, वाद विवाद के बाद ये दोनों फिल्में तो रिलीज हो गई हैं, लेकिन सुबह से हम यहाँ खड़े हैं तकरीबन 9 बजे से लेकर के अभी जो है तकरीबन 1:30 बज गए हैं और तीन शो जो रईस के हैं वो खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक शो को यहाँ पे जगह मिली है काबिल को जो अभी खत्म हुई है। दोनों के मिले जुले रिएक्शन है, दोनों अच्छी तारीफें हो रही हैं, लेकिन जो रईस फिल्म जो रिलीज हुई है शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, इस फिल्म की लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ दर्शक हैं जो कि फिल्म देख करके आ रहे हैं। ये बताइए कि आपने कौन सी फिल्म देखी? रईस। कैसी लगी आपको? इट्स एन अमेजिंग मूवी एंड द थ्रिल इज अमेजिंग एंड ऑल्सो द सस्पेंस इज अमेजिंग। आप कौन सी फिल्म देख के आ रहे हैं? रईस, इट वॉज एन ऑसम मूवी। शाहरुख भाई, आई लव यू। आप कौन सी फिल्म देख करके आए? रईस, रईस, रईस। तो यहाँ पे जो है सारे लोग रईस देख करके आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो थिएटर में है काबिल को ज्यादा माइलेज नहीं दिया गया है, यानी कि जो सुबह से लेकर के तकरीबन शाम तक के जो 9 शोज है वो 9 शोज को शाहरुख खान को स्पेस दिया गया है और 3 शोज जो है वो यहाँ पे काबिल के लिए बुकिंग की गई है। जी, तो ज्यादा स्पेस जो है वो शाहरुख की फिल्म को मिला है। सीधे इंदौर चलते हैं, एहतियाब शेख हमारे साथ बने हुए वहां से। एहतियाब, ये बताइए कि क्या काबिल देखने वाले भी लोग हैं आपके साथ, उनका क्या रिएक्शन है और बाकी लोगों ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं वो रईस देखने वाले जो हैं? इंशाल्लाह। देखिए बेहतरी, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो इंदौर में दोनों ही फिल्मों को ओपनिंग अच्छी मिली, लेकिन जो अपर एज कहा जा सकता है वो शाहरुख खान की रईस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो लोग यहां पहुंचे हैं, जो शाहरुख खान के फैंस हैं, वो पोस्टर के साथ में यहां पहुंचे हैं। काबिल को भी अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अपर एज जो कि मैं कह रहा हूं कि रईस को मिला है। सर, आपने रईस देख कर आए, किस तरह का रिएक्शन है और शाहरुख खान के बारे में क्या कहें? शाहरुख छा गया है पूरी मूवी में, रईस सबको फाड़ देगी, आग लगा। काबिल से भी अच्छी है, काबिल से भी अच्छी है रईस मूवी। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रिएक्शन मिल रहा है। सर, आप कौन सी मूवी देख कर आए और किस तरह का रिएक्शन है इस मूवी को लेकर? मैं रईस देख गया और बनिए की डेयरिंग और मिया भाई की डायलॉग ही भूल गए, इतने ज्यादा उत्साहित हो गए। काबिल भी देखी, लेकिन काबिल में कोई दम नहीं था। देखिए मैत्री, जहां तक बात की जा रही है, तो ये शाहरुख खान के फैंस नजर आ रहे हैं, सब रईस देख के बाहर निकले और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, पोस्टर लेके आए हैं। देखिए तस्वीरों में हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं कि कैसे शाहरुख खान का पोस्टर लेके उनके फैंस खड़े, इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब चलते हैं चंडीगढ़, वहां से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े। अमित, क्या रिएक्शन है चंडीगढ़ के? देखिए, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो दोनों मूवीज ने अच्छा खोला, दोनों के दर्शक जो हैं वो अलग हैं। चलिए, कि यहाँ पर थिएटर भी देखने वाले लोग हैं और फिल्में भी देखने वाले लोग हैं, तो थिएटर के ज्यादा लोग जो हैं वो एक्टिंग देखने के लिए जा रहे हैं और ऋतिक रोशन ने अपने किरदार को बहुत ईमानदारी से निभाया। और दूसरी, अगर शाहरुख की बात करें, शाहरुख इस तरह का रोल पहली बार नहीं कर रहे, लेकिन जब भी वो इस तरह के कोई रोल करते हैं उसमें अपनी अदाकारी जो है उसमें जोर। कुछ लोग हैं जो अभी रईस देख के आए हैं और फिर काबिल देखने जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, अभी रईस मूवी देख के आए, क्या अच्छा लगा उसको? उसकी शाहरुख की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत न्यू था, पहले ऐसी मूवी आई नहीं है, इस टाइप की मूवी कोई आई नहीं है,
बहुत अच्छी मूवी थी उसकी, उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं उसकी डायहार्ड फैन नहीं हूँ शाहरुख की इतनी, मैं दोस्तों के कहने पे मूवी देखने आई थी, बट अब हूँ उसकी फैन। कैसा मूवी? बहुत अच्छी थी, हमें शाहरुख का बहुत अलग कैरेक्टर देखने को आया, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हमें पहले नहीं दिखाता, बट इट्स अ नाइस मूवी। धंधे के लिए सही मूवी, मैंने बहुत शाहरुख ने जी डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया दी है। कोई डायलॉग याद है? हाँ मैं आ रहा हूँ। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी थी, उसके डायलॉग्स और एक डायलॉग धर्म कोई अपना धंधा कोई भी मारा नहीं होता, धर्म धंधे को अपना धर्म बना लो। कुछ मैसेज दे रही, कुछ मैसेज दे रही मूवी बिल्कुल। तो लोग जो है वो रईस फिल्म के डायलॉग से भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। अब सीधे चलते हैं मुंबई, हमारे साथ वसीम भी जुड़े हुए हैं। वसीम ये बताइए क्रिटिक्स का क्या कहना है, जहां तक रईस की बात है इस तरह का नेगेटिव किरदार जैसा कि कहा जा रहा है कहानी के बारे में कहा जा रहा है, शाहरुख खान ने पहले भी अदा किया है, लुक उनका हालांकि थोड़ा रस्टिक है, रस्टिक लुक है उनका, लेकिन काबिल की बात जहां करें ऋतिक रोशन ने स्पेशली एबल्ड का किरदार अदा किया और ये भी कहने में आ रहा है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? जी क्रिटिक का यही कहना है कि मुंबई में ज्यादातर लोग जो है ऑफिसर्स में काम करते हैं, उन्हें जो है कोई ज्यादा एक्टिंग मटेरियल वाला फिल्म नहीं देखना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा हंसाने वाला ज्यादा से ज्यादा मसाला फिल्म देखने में मजा आता है। तो फिल्म की जो तारीफ हो रही है, फिल्म क्रिटिक्स कह रहे हैं कि रईस जो है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है, इसमें सनी लियोनी है, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ऑब्वियसली शाहरुख खान है, तो कह सकते हैं कि टोटल जो है पैसा वसूल फिल्म है। हालांकि जो लोग काबिल देख करके निकल रहे हैं ऋतिक रोशन की जो अब तक की फिल्में जो उन्होंने अपने करियर में की है, उन्हें कहा यही जा रहा है कि अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है और कहीं ना कहीं मैसेज ये जरूर लोगों तक पहुंच रहा है कि हम जो लड़कियों की या औरतों की इज्जत नहीं कर रहे उनकी इज्जत करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में रेप्स के केसेस बढ़े जाते हैं उसी पर यह बेस्ड है फिल्म। ऋतिक रोशन और यामी गौतम की बहुत तारीफ की जा रही है। बिल्कुल, तो बहुत तारीफ हो रही है, हालांकि किरदारों की अदाकारी की दोनों ही फिल्मों की और स्टार्स की काफी तारीफ होती है। लखनऊ में विजय जी भी हमारे साथ है। विजय ये बताइए कि माहिरा खान रईस में उन्होंने शाहरुख के ऑपोजिट एक्ट किया है, उनको लेकर तमाम बातें भी हो रही थी पिछले साल जब कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि रईस रिलीज नहीं होगी, तो इसकी वजह से माहिरा काफी स्पॉटलाइट में आ गई थी। माहिरा को लेकर क्या रिएक्शन है फैंस के बीच में, कितना एक्सेप्टेंस लेवल है, कितना पसंद किया गया माहिरा को? बिल्कुल सही कहा मैत्री आपने कि माहिरा को लेकर के पहले से ही जब रईस आनी थी तो इसी वजह से शायद पूरी मूवी थोड़ी लेट हो गई है। जो रईस देख करके निकले हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, माहिरा का लुक कैसा लगा, जो शाहरुख के अपोजिट हीरोइन है वो कैसे लगी, क्योंकि पाकिस्तान से थी थोड़ा कंट्रोवर्सी थी, आपने देखा उन्हें? हाँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से इंडिया से ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो एक्टिंग कैसे कर रही है और लग कैसे रही है, तो उसके लिए मैं उन्हें 10/10 बोलूंगी कि हाँ अच्छा था, बहुत ही अच्छा 10/10 मिल रहा है माहिरा खान को। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है कि कड़ी टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है, पहले दिन 3 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि रईस कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है काबिल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने